पेट भर गया और अमरूद खा ली, गरम गरम पराठे भी खा ली, तो मैं रह जाती हूँ सुबह शाम नीचे, तो जिसकी वजह से मैं लगा नहीं पाती झाड़ू वालू। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। देख लीजिए कि मैंने सारे चीज़ों को सेट कर दिया। इनकी जो सॉक्स है ये है बनियान, और मैंने बिस्तर को भी सही कर दिया। और इस पे आप सोचेंगे कि बिस्तर को सही करने के बाद आप इसको कपड़े की टोकरी आप यहाँ पे क्यों रख दिए, तो कपड़े की टोकरी इसलिए रख दिए कि जब अगर उस बिस्तर का इस्तेमाल ना हो फिर उसे ऐसा कुछ खुला नहीं छोड़ा जाता, तो मतलब ऐसे नहीं रखा जाता, क्योंकि फाइनली अगर बिस्तर सेट नहीं है तो, अगर बिस्तर सेट है तो फिर इस तरह के नहीं रखा जाता, तो इसलिए मैंने बीच में टोकरी रख दिया है। ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा का संपर्क ना हो। चलाता है यार, गलती से चल जाए तो चल जाए ना, ठंडी में कौन चलाता है। तो बेटे जी का सॉक्स और बेटे जी का वो बनियान मैं सोच रही हूँ कि रख दूँ। कबड में इनके, और पहले तो यहाँ पे मैं ना इसका सेट बना, देखो एक मैं उठाती दूसरा, और एक सेट इसका नहीं मिला है। तो ये सॉक्स जो है उल्टा हुआ था, और इस सॉक्स को मैं सीधा करके पहले तो एक सेट बना दूंगी जो है इसका, और वो मेरे बेटे जी ना थोड़ा सा लॉन्ग पसंद करते हैं, मतलब ये सॉक्स उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसका तो शायद उनको लगता है इसी कपड़े में होगा इसका सेट, और इसका भी सेट एसी कपड़े में टोकरी में ही होगा। तो ये या तो गर्मियों में इसको पसंद करते हैं और उसके बाद वो लॉन्ग पहनते हैं। एक जो आता नहीं है इससे बड़ा, ये तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा है, मतलब पैर के बराबर होता है, इसको पसंद करते हैं। और जो लॉन्ग आता है उसको वो पता नहीं क्यों इनके पापा पहनते हैं लेकिन वो नहीं पहनते, भगवान जाने कि उनको नहीं पसंद आता। कई बार मैंने मैं भी लेके आई, मैं कि इसको पहनूं, नहीं पहना। तो सॉक्स का सेट नहीं मिला, फिलहाल मैं इसको इनकी कमर में लगा देती हूँ। जब बच्चों का रूम आप चेक करने लगो ना, तब समझ में आता है कि बच्चे कैसे रखे हैं सच में। एक बात मैं बताऊं आपको, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। और सच में चाहे कितना भी इन्हें सुविधा दे लो, लेकिन इनको ना मतलब फैला के रखने में बहुत ही मज़ा आता है। मैंने यहाँ पे कबर्ड वगैरह लगवा दिया, लेकिन फिर भी
फिर भी इनका वैसे के वैसे ही रहेगा। तो जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह सब सेट किया और फिर इनके कबट में लगाया। और बेटी जी जब मेरे आएंगे ना तब ये नहीं भूलेंगे, ये भी थोड़ा सा भी नहीं भूलेंगे कि हम अम्मी थे इनसे। और मैंने मेरे कमरे को सेट करने के लिए और पिंटू भैया का सब काम अच्छा है। पिंटू भैया अभी इसमें लॉक ओवर लगाएंगे तो इसमें निकालेंगे, और अभी नहीं निकाले हैं लेकिन गंदा सा लग रहा है। यहाँ तक मतलब ये देखिए इनके कमरे की गंदगी निकाल दी हूँ, और उस वो वहाँ पे गंदगी उस कमरे का है और मैंने वहाँ पे कपड़े जो है इकट्ठा कर ली। जिस जगह पे जाओ ना फिर समेटते ही फिरती। शाम का पल मैं थोड़ा सा जब दोपहर में सोती हूँ तब निकालती हूँ और उसी में सबको प्रॉब्लम होती है। श्रेया कहती मम्मी तुम जब सो जाती हो फिर तो 1.5-2 घंटे के लिए सो जाती हो, और हस्बैंड भी सोचते हैं कि सोना जरूरी है अनिवार्य है, लेकिन सोना अनिवार्य तो नहीं है। मैं कह रही हूँ कि जैसे दोपहर का सोना, बाकी तो बिना रेस्ट किए आप इंसान मतलब कितना काम करेगा ये होता है। लेकिन फिर हाल जब मतलब अगर इंसान इतना काम कर लेता है फिर थक जाता है, फिर तो सोना बनता है ना। तो अभी आप देख लीजिए कि वहाँ पर गलियारे में मैंने कितने सारे चीज़ें बिखेर रखे हैं, अभी सब नीचे ले जाना है, छत पे जाके वहाँ पे जो कपड़े वगैरह हैं उसको हट समेट लेना है। और अभी इसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाई, और ये बगल वाले कमरे में झाड़ू नहीं लगाऊंगी तो लेट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात अभी मैं डस्टर नहीं ले आई हूँ, जो मेरा डस्टर था वो घिसाई वाले भैया इस्तेमाल किए, और जानते ही हैं कि अगर कोई दूसरा इस्तेमाल करता है तो वो तोड़ ही देना है, वो बचेगा नहीं वापस, तो ये होता है। तो मैं किसी दिन मार्केट जाऊंगी फिर लेके आऊंगी। और अभी सीढ़ी पे झाड़ू लगाऊंगी तो फाइनली ये वाला सेकंड वाला फ्लोर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं वीडियो एडिट करना सोच रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो नाइट में डालती हूँ और मेरे लिए बहुत बहुत भागना पड़ जाता है, फिर मैं लाइव जो करती हूँ वो उसमें भी लेट हो जाता है। तो मैंने सोच रही नहीं वीडियो अब ना मैं दिन में डालूँगी, एडिट करके रखे रहूँगी, एक टाइम फिक्स करूँगी जिस पे मैं वीडियो कौन से चैनल पे और कब मुझे डालना है ये मैं कर लूँगी। और एक काम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो ये देखिए वहाँ पे भी मांग रहा था दरवाज़ा, लेकिन वो मैंने दिमाग नहीं लगाया और मुझे बहुत ही अब ख़राब लग रहा है कि वहाँ पे दरवाज़ा होना चाहिए था लेकिन नहीं, दिमाग में ही नहीं आया कि यहाँ पे दरवाज़ा होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, फिर कभी काम लगेगा तो मैं दरवाज़ा लगवाऊँगी। लेकिन अब ये एक काम ये हो सकता है, लकड़ी वाला दरवाज़ा लग सकता है। लकड़ी वाला दरवाज़ा तो बड़े आसानी से लग जाएगा, लेकिन उसके लिए ना फिर लोहे के लिए ना तो जैसे दीवार में तोड़ना पड़ेगा, और इसलिए मैं लोहे वाला दरवाज़ा नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसमें इंगल बनवाना पड़ेगा और इंगल के लिए तोड़ के लगवाना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको नहीं लगवाऊंगी। बड़ा गंदा मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। मेरे पास इंगल था, मेरे पास दरवाज़ा था, सब कुछ था, लेकिन मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि लगवाना है। चलिए फ़िलहाल मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, शाम हो जाएगी फिर झाड़ू नहीं लगा पाऊँगी। वैसे मैं आपको बताऊं मैं लग गई हूँ अपने कामों में। एक बात मैं बताऊं, आज ना जो आज या कल परसों हमको ये नहीं पता है, लेकिन एक वृद्ध संत हुआ करते थे अभी तक, तो मतलब ये हमको लगता है कि 2-4 दिन 1 हफ्ते इससे ज़्यादा नहीं हुआ है वो महाराज जी को। तो एकदम वृद्ध हो गए थे, कितने साल हो जे वे थे मुझे नहीं पता है इस उनके बारे में। और सोशल मीडिया में भी वो है, इंस्टा पे भी बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं। तो श्री सियाराम बाबा नाम है उनका, और इतना वृद्ध होने के बाद भी मतलब अपने काम को जैसे कि वो पूजा जो पाठ करते थे कितना भी झुक गए थे, लेकिन फिर भी अपने काम को करना वो नहीं छोड़ते थे। कैन ले लेते थे हाथ में
और जितना भी काम होता था वो खुद से ही करते थे। मतलब ये चीज़ देख के बड़ा ही अच्छा लगता है। चलिए वीडियो एंड करते हैं।